और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी। निजी संपत्ति बंटवारे मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति कहना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में यह देखना जरूरी है। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला निजी संपत्ति बंटवारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति कहना गलत है। संपत्ति की स्थिति सार्वजनिक हित में है, यह देखना बेहद आवश्यक है। यूपी मदर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को सही माना है। हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात भी बोली गई थी और यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, आपको जानकारी आप तक साझा कर दें। देखिए, इससे पहले भी एक हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है और मदरसा को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को सही ठहराया है, सही माना है। हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है, यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो निर्णय था जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी जानकारी। यूपी में अब सरकार ही